हाय दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि आफ्टर सीजनिंग ऑफ फूड द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, नमी कितनी होती है? तो 10 से 20% होती है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ स्केल टू मेजरिंग अप टू 5 डेसीमीटर? आरएफ है 1/4, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 12.5 सेंटीमीटर। व्हेन द ड्रॉइंग इज ड्रॉवन ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट स्केल यूज टू, कौन सी स्केल सेम साइज के लिए हम फुल स्केल काम में लेते हैं? द लोकस ऑफ पॉइंट एट विच मूव सच दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स द सेम एज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। इसको अपन इलिप्स बोलेंगे। जब अपन पैराबोला बनाते हैं ना, इलिप्स बनाते हैं, तो उसमें अपन 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं कॉन्सेंट्रिक मेथड पे। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, ऑब्जेक्ट इज एज्यूम्ड इन पैलेस। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड और थर्ड एंगल, फर्स्ट एंगल में फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड एंगल में थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी फॉर इलिप्स? 1 से कम होती है, less than 1। अकॉर्डिंग द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द परमिशेबल वैल्यू ऑफ नॉइज लेवल इन रेजिडेंशियल एरिया, ये 50 से 60 dB तक होता है। तो 50 वाला भी सही है और 60 वाला भी सही है। टू लाइन यूज टू मीन द लिंक एक्सेस द मोमेंट बिटवीन वेरियस रूम्स एंड फ्लोर द बिल्डिंग। तो फ्लोर और बिल्डिंग का जो होता है उसको अपन प्रोस्पेक्ट बोलते हैं, प्रोस्पेक्ट बनाते हैं वो। विच लेयर इज कॉल्ड कोर इन प्लाईवुड? तो ये मिडल लेयर है। इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन स्केल यूज टू, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन 30 डिग्री पे लेस होता है, तो ये आइसोमेट्रिक स्केल होती है ना, ये भी यूज की जाती है इसमें। ड्रॉइंग ऑफ ए बिल्डिंग आर ड्रोवन यूजुअली ड्रॉइंग किस तरीके से बनती है? मैन साइज जो होती है वो हाई होती है और उसको अपन रिड्यूस करके अपन मैन ड्रॉइंग को बनाते हैं, तो इसमें रिड्यूसिंग स्केल काम में लेते हैं। इसके बाद 13 का क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेड स्ट्रोक इन द लेथ सेंटर? टू ट्रांसमिट मोटिव फोर्स फ्रॉम द मोटर टू द मैन स्पेंडल बाय द मेन्स ऑफ बेल्ट एंड पुली एंड गियर। हाँ, इसके द्वारा ये ट्रांसमिट करता है। एट वट RPM शुड ए लेथ टू बी रन गिव ए कटिंग स्पीड ऑफ 25 मीटर पर मिनट वहन टर्निंग ए रोड डायमीटर 32। तो इसको जब पाइडियन बटा 1000 से कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 350 RPM के आसपास आएगा। द क्वालिटी ऑफ टिम्बर डज नॉट डिपेंड अपॉन, टिम्बर की क्वालिटी किस पे डिपेंड नहीं करती? साइज ऑफ ट्री, पेड़ कितना बड़ा है इस पे डिपेंड नहीं करेगी, तो साइज ऑफ ट्री आएगा इसमें। विच ऑफ थ्री इज नोट एडवांटेज ऑफ वनिशिंग वुड सरफेस, लकड़ी की सरफेस को वनिशिंग करने का कौन सा एक फ़ायदा नहीं है? तो वनिशिंग जो होती है वो कभी भी हार्डनेस नहीं बढ़ा सकती, इसलिए ये जो फोर्थ आंसर होगा प्रोवाइड हार्डनेस, ये इसमें नहीं है। सरफेस प्लेट इज मेड ऑफ कास्ट आयरन, मोटराइज गैस कारपेंट्री यूज टू ड्रॉ पैरेलल लाइन्स, समांतर लाइनें खींचने में होता है ये। विच आउट ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्राइकिंग टूल इन द कारपेंट्री, कारपेंट्री में स्ट्राइकिंग टूल नहीं होता मैलेट, क्योंकि ये चिपिंग के लिए काम में लेते हैं, GI शीट वगैरह के लिए। आर्क वोल्टेज इन वेल्डिंग 40 से 95 वोल्टेज होता है। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द हेक्सा, हेक्सा के लिए क्या है? तो हेक्सा के लिए ये चारों जो स्टेटमेंट है ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, सारे सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कटिंग टूल हैज हाइएस्ट हॉट हार्डनेस, तो इसमें सेरेमिक आएगा। द टेम्परेचर एट विच न्यू ग्रेन्स फॉर्मड इन द मेटल इज कॉल्ड रीस्क्रिलाइजेशन टेम्परेचर होता है बी, इसको रीस्क्रिलाइजेशन टेम्परेचर बोलते हैं। इन आर्क वेल्डिंग द इलेक्ट्रिक आर्क इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन द वर्क एंड इलेक्ट्रोड, तो इसमें आएगा कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस। यूज ऑफ जिग एंड फिक्सचर, जिग और फिक्सचर जो होते हैं ये फैसिलिटी डेवलपमेंट ऑफ लेस स्किल्ड लेबर प्रोडक्शन, एलिमिनेशन ऑफ प्री मशीनिंग ये भी है, और रिड्यूसिंग मैनुअल हैंडलिंग ऑपरेशन, ये सारे हैं इसमें ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, तो बहुत हैं, मिलिंग कटर भी है और ब्रोचिंग टूल भी है। विच टूल डज नॉट कट, कौन सा टूल है जो काटता नहीं है? तो अगर आपको याद हो तो पंच है, वो होल करने के लिए काम में ले सकते हैं, तो वो होल भी तो एक प्रकार का कटिंग ही है। हेक्सा और चिजल ये कटिंग है, लेकिन फाइल चूंकि कट नहीं करता, ये सरफेस फिनिशिंग का एक टूल है, तो कटिंग टूल नहीं है फाइल। इन मास प्रोडक्शन द डिवाइस यूज टू गाइड द टूल, टूल जिग में बनता है, तो टूल को गाइड कौन करेगा? जिग। बॉक्स नट ऑफ बेंच वाइस, बॉक्स नट ऑफ बेंच वाइस स्क्वायर थ्रेड से बना होता है। कार्बोनाइजिंग फ्लेम इज ऑल्सो नोन एज रिड्यूसिंग फ्लेम,
विच इज नॉट ए टाइप ऑफ लेथ मशीन, इंजन टाइप नहीं होती है, विच इज यूज टू सोल्डर ए सोल्डरिंग एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की सोल्डरिंग के लिए अपन टिन और जिंक यूज करेंगे, विच ऑफ दिस इज नॉट एन एडिक्टिव इन ऑटोमेटिव लुब्रिकेशन ऑयल, इसके बारे में कन्फर्म नहीं हुआ मुझे. नेक्स्ट क्वेश्चन 34, द कूलेंट पंप यूज इन फोर्स्ड सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम, तो इसमें अपन सेंट्रीफ्यूगल पंप काम में लेते हैं प्लस पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाला काम, तो ए वाला आंसर होगा. विच टाइप ऑफ बैटरीज आर जनरली यूज, लेड एसिड काम में लेते हैं और निकिल कैडमियम काम में लेते हैं, तो एक और थ्री, विच ऑफ दिस इज नॉट यूज एन स्टार्टर मोटर, तो सीरीज वाउंड डीसी मोटर हम काम में नहीं लेते. द स्पीड ऑफ कैमशाफ्ट टाइम्स स्पीड ऑफ क्रैंकशाफ्ट, ये क्रैंकशाफ्ट की स्पीड की आधी होती है. फॉर सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर एट विच साइकिल हैज हाईएस्ट एफिशिएंसी, तो डीजल साइकिल की हाईएस्ट एफिशिएंसी होती है. द कार बैटरी इज जनरली यूज इन इंडियन आर द टाइप्स ऑफ लेड एसिड बैटरी, गवर्नर इज यूज टू, गवर्नर ओबियसली CI इंजन में यूज होता है, तो इसमें बी एंड डी आएगा. ड्यूरिंग द कम्बशन ऑफ इंजन टेम्परेचर इन द सिलेंडर राइज अप, कितना होता है, लगभग ये 3000 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 2700 के आसपास ये मिल जाएगा. द कास्ट आयरन इज करेक्टेड बाई द मिनिमम ऑफ फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ द कार्बन, कास्ट आयरन में कितना परसेंट कार्बन होता है, 2% होता है. मुंतज मेंटल हैज कंपोजिशन, कितना होता है इसमें, 60% जिंक और 40% कॉपर. विच मेटल आउट ऑफ फॉलोइंग हैज फेस कॉन्सेंट्रेटेड क्यूबिक स्ट्रक्चर, निकिल. द कास्ट स्टील क्रैंकशाफ्ट सरफेस इज हैंड हार्डन्ड बाई, अब देखो फिर से तो इसकी जो हार्डनेस करने के लिए कार्बोराइजिंग लेते हैं, लेकिन ये जो साफ्ट को हार्डन करना है तो इसके लिए इंडक्शन हीटिंग काम में ली जाती है. व्हाट विल बी द चार्जिंग करंट ऑफ 200 एम्पियर आवर बैटरी आइडियली, तो 10 एम्पियर तक इसको चार्ज कर सकते हैं अपन, 10 एम्पियर वाला आइडल रहेगा. विच ऑफ दीज आर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, कंचिंग यानी ज़्यादा गर्म स्टील को तुरंत ठंडा करना कंचिंग होता है, एनलिंग केस हार्डनिंग, तो ए बी एंड सी तीनों हैं ये. बाई विच मेटल एडिक्शन द रेजिस्टेंस टू द corrosion in steel increases, chromium. The solder contain which metal, tin and lead. Hardness of steel greatly improved with which of the following heat treatment, annealing. Slow plastic deformation, बहुत important question है, slow plastic deformation metal under constant pressure is known creep. Which of the following constituent of steel is softest and least strong, बहुत important question है कि softest और least strong कौन सा steel होता है, ferrite. What is the minimum age limit of approximate 14 साल है. In which year did Factory Act 1948, 1 अप्रैल 1949. If electric wires and appliances are overheated due to high voltage of electric current, they can both catch fire and burn. Under the Factory Act 1948, the working hours of 8 hour per day and per week, इसमें आएगा none of these, कोई भी नहीं है उपरोक्त में से. Which is not a stationary welfare facility under the Factories Act 1948. में क्या नहीं मिलता है, हमें ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं दी जाती है. Which of these is not a principle of layout, तो इसके बारे में कन्फर्म नहीं है. What will be the component of force, 100 न्यूटन x डायरेक्शन में है और इट मेक्स 32 y डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन से 30 डिग्री बना रहा, तो इसका आएगा 50 अंडर रूट 3. फॉर हाउस होल्ड वायरिंग स्मॉल यूनिट्स यूनिट सर्किट ब्रेकर should be used, MCB, miniature circuit breaker. What is the full form of MSDS, material safety data sheet. What will be the moment of force respect to the A in figure. अब इसमें moment of force torque पूछ रहा है, तो S into F, force into distance, तो 20 into 5. So what will be the work done of constant force 40 newton acting on a body and angle 120 degree with displacement. Displacement is 4 meter. इसके बारे में अभी कन्फर्म नहीं हुआ है, चेक कर रहा हूँ मैं इसको. A force F acting on a body has two directions, A and B. Either side it's of the action. The component of force F alongside A, इसमें देखो मैंने A में राउंड कर रखा है, तो इसका कारण क्या हुआ कि जब A साइज पूछेगा तो अपने जो आंसर आएगा उसमें A नहीं आएगा, B आएगा, तो इसमें आया है F sin B sin alpha plus beta. A uniform beam of 100 newton. 100 न्यूटन की बीम है और उसमें देखो सिरों पर प्रतिक्रिया क्या होती है, W/2, तो इसमें आधा कर दो इसको W/T, तो 50 न्यूटन और 50 न्यूटन उसके सिरों पर प्रतिक्रिया आएगी.
ये 66 और 67 मैंने नहीं किया है। इसके बाद ए बुलेट ऑफ मास 120 ग्राम इज फायर्ड इनटू द टारगेट ऑफ 10 केजी विद द वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड इफ द टारगेट इज फ्री टू मूव। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर जिस चीज़ पे आप चोट मार रहे हो वो मूव करने के लिए फ्री है तो फिर गतिज ऊर्जा में कोई भी लॉस नहीं होगा। तो गतिज ऊर्जा में कोई लॉस नहीं होगा, इसका मतलब इट विल बी आंसर जीरो। द मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए पॉइंट आर 18 एंड 20 रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड। अब देखो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी दोनों डायरेक्शन में ले लो, तो ए प्लस बी 80 प्लस बी 100 और 80 माइनस बी 60, तो 100 एंड 60। द साइंस एट विच डील्स विथ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज एक्ट अपॉन बैलेंस सिस्टम ऑफ फोर्सेस, इसको बोलेंगे अपन मैकेनिक्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द फिगर विल बी। अब इसमें लामी थ्योरम से अगर देखेंगे तो देखो W नीचे की तरफ जाएगा, टेंशन इसका ऊपर की तरफ जाएगा और इसकी प्रतिक्रिया आर लगेगी, तो सी आंसर राइट है। इसके बाद ए बोट इज इन द मिडल ऑफ ए कैनल 100 मीटर वाइड एंड इच पुल्ड बाई टू रोप्स ए बी 100 एंड 150 एम लॉन्ग टू व्हीकल्स ऑन द बैंक ऑफ सच ए वे दैट बोट्स मूव पैरेलल टू द ब्लैंक्स इफ पुल अलोंग ए बी 1500 न्यूटन एंड फाइंड द पुल एफ अलोंग ए सी। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये इसका आंसर आएगा 2250। और अगर किसी को सोल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसकी फ़ोटो खींच के इसका सोल्यूशन निकाल के फ़ोटो खींच के भेज दूंगा। विच इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन चूंकि 30 डिग्री पे बनता है तो 45 वाला जो आंसर है वो इसमें गलत है। फॉलोइंग इज यूज टू डायमेंशन लाइन कंटिन्यूस थिन इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स लेस देन 1 कंपेरेटिव स्केल। अब देखो एक तो होती है डायगोनल, एक होती प्लेन स्केल, एक कंपेरेटिव। कंपेरेटिव में दोनों ही चीज़ें कंपेयर में होती हैं, तो रिलेशन जो फैक्टर होता है ना, डिफरेंट रिलेशन फैक्टर एंड डिफरेंट यूनिट्स, यूनिट्स भी अलग अलग होती हैं और रिलेशन फैक्टर भी अलग अलग होता है। 77 में है बोथ एलिवेशन एंड प्लान ऑफ ए पॉइंट लाइक एक्स एंड वाई। अगर एक्स और वाई लाइन पर है तो पॉइंट किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ऑब्वियसली। इसके बाद है 78 का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट राइट साइड व्यू। राइट साइड व्यू देखो, अब इसमें क्या नियम होता है कि साइज दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं, फ्रंट और साइड हम निकाल लेंगे। अगर साइज नहीं दिया तो जो सबसे लंबी साइड होगी वो होगी फ्रंट, और फ्रंट के साथ सबसे लंबी ये है, तो इसमें मैंने ये राइट साइड लगा रखी है और इसके हिसाब से इसका आंसर आएगा 1। इफ द 15 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 3 किलोमीटर देन द रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या होगा, 1/20,000। ए राइट सर्कल कोन इज कट बाई ए प्लेन इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन एट एनी एंगल ग्रेटर देन द बेस एंगल ऑफ कोन एंड पास थ्रू द वर्टेक्स, ट्रू शेप क्या बनेगी। हाइपरबोला बनेगा, जो कि मैंने इसमें काट के भी दिखा रखा, आप इसको जूम करके देख सकते हो, इस तरीके से ये कटेगा तो ये हाइपरबोला बनेगा। इसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने इसको गलत भी किया है, सिंबल ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। अब चूंकि आप देखिए कि जो इसका पहला आंसर है ना, फर्स्ट में जो दिखा रखा है उसमें कोने में एक छोटा सा बिंदु लगा रखा, जबकि ये बिंदु तो होता है लेकिन यहाँ नहीं होता है, ऊपर होता है, ये तीनों टर्मिनल पे होता है, ठीक है। तो प्लस ये सिंबल है लेकिन इसमें इस बिंदु के आने से ये सिंबल नहीं माना जाएगा। इसके बाद दूसरे में डायरेक्शन अपोजिट तो नहीं होगा, तीसरे में इसने लाइन डबल कर दी तो नहीं होगा, तो लास्ट ऑप्शन इसने दिया नन ऑफ दीज, क्या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो राइट आंसर है नन ऑफ दीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82, इसके बारे में कन्फ्यूजन है। 83 साइरन ए वाला आंसर है, सिंबल ऑफ बजर इसमें 2 वाला आंसर है। इसके बाद ये दिया है ए फिलामेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 120 वोल्ट बल्ब 400 ओम प्रतिरोध है, कैलकुलेट द करंट एंड पावर। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 0.3 एम्पियर आएगा और 36 वाट आएगा। विच टाइप ऑफ स्विच यूज इन डोमेस्टिक स्टेयरकेस वायरिंग में, 2-way स्विच है, दोनों तरफ से बंद कर सकते हैं अपन। ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर क्या होता है, MCCB ठीक है, फ्यूज वायर मेड ऑफ लेड टिन एलॉयज एंड कैपेसिटर हैविंग लोवेस्ट कैपेसिटेंसी पेपर, फाइंड द वैल्यू ऑफ फिलामेंट रेजिस्टेंस 200 वाट बल्ब एंड व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द 230 वोल्ट सप्लाई। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे, मैं सॉल्यूशन है मेरे पास इसमें लेकिन अभी टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं कैलकुलेट करके बताऊं, तो इसका आंसर आएगा 264.5 ओम। इसके बाद है एज पर बैलन एल्जेब्रा इनपुट कैन बी चेंज्ड
इनपुट किस किस में चेंज होगा, ओर और एंड गेट में चेंज होगा तो तीन आ जाएगा। लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर नोर गेट, वाई बराबर ए प्लस बी का बार, कन्वर्ट 1011.11 की पावर 2, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो इसके बारे में कन्फर्म नहीं है। कन्वर्ट क्वेश्चन नंबर 94, इसमें आएगा 4147.6 की पावर 8। इसके बाद 95 भी कन्फर्म नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज इन्वर्टर, इन्वर्टर में वैसे नोर गेट यूज होता है तो इसमें नोर गेट राइट आंसर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट में भी नोर गेट काम में लेंगे। नोर गेट ही होता है जो कि यूनिवर्सल गेट होता है, वैसे नैंड गेट भी होता है, एन ए एन डी, जो कि यूनिवर्सल होता है। इसके बाद एन एलईडी रिक्वायर्स पावर ऑफ, इसके बारे में कन्फ्यूजन है कि ये कितना वाट लेता होगा, कन्फर्म नहीं है। लेकिन प्लाज्मा टीवी में कौन सी गैस यूज होती है, प्लाज्मा टीवी में जिनोन गैस यूज होती है और जो कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं आएगा, इसमें नन ऑफ दी जाएगा। हाउ मनी डाटा कैन बी स्टोर्ड इन डीवीडी, 4.7 से 17 जीबी। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क 25 जीबी। सेमीकंडक्टर सब्सटेंस आर जर्मेनियम सिलिकॉन एंड सेलेनियम। फुल फॉर्म ऑफ एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी लाइट्स इमिट्स ये सभी कलर में होती है तो इसमें सारे कलर आ जाएंगे। व्हाट शुड बी द मिनिमम डेप्थ ऑफ पाइप अर्थिंग, कम से कम लेनी है तो 2.5 ले सकते हैं। व्हेन ए सिनोसोइडल वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस आर एल सी सीरीज सर्किट हैविंग आर एल बराबर एक्सएल, जब दोनों बराबर होंगे तो 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे। इन एसी सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर द अपरेंट पावर, इसमें वी आई कोस थीटा भी हो सकता है और वी वन भी हो सकता है, वैसे ज़्यादा राइट इसमें वी वन है या वी आई है। ठीक है, वी आई कोस थीटा और वी आई। टू ऑब्टेन एन टाइप सेमी कंडक्टर इम्प्योरिटी एडेड, अब चूंकि एन टाइप सेमी कंडक्टर के लिए अपन इम्प्योरिटी लगाते हैं, फॉस्फोरस जर्मेनियम एंटीमनी ब्रॉन्ज और जो कि इसमें है नहीं तो नल ऑफ दी जाएगा। डेफिनेशन ऑफ फॉर्म फैक्टर, आई आर एम एस अपॉन आई एवरेज, ए सेल ऑफ EMF aux and internal resistance Y connected to the resistance Y, the potential difference क्या होगा, तो aux बट्टा 2 होगा। Equilateral resistance of these resistance R1, R2, R3, parallel में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये R1, R2, R3 upon R1, R2, R2, R3 और R3, R1, ये प्लस में आ जाएगा। A continuous flow of electron in a circuit, क्या बोला जाता है, विद्युत धारा 1 kilowatt 36.10^5 वाट सेकेंड। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ओहम मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टिंग वायर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। फॉर्मूला ऑफ वॉट आवर एफिशिएंसी इन बैटरी, इसमें फर्स्ट आंसर है लेकिन इसमें कंफर्म नहीं है अभी भी मुझे। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज 50 हर्ट्ज देन इट्स टाइम प्रोड्यूस 0.2 सेकेंड, 1/50। वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव वार इस यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर, रिलेशन बिटवीन हॉर्स पावर एंड किलोवाट, 1 HP बराबर 0.07355 किलोवाट। ए सोर्स ऑफ एनर्जी सेल, द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज मेजर्ड एम्पियर आवर, फुल नेम ऑफ पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ए फ्यूज वायर इंसर्टेड इन फेज वायर। फॉर्मूला ऑफ इम्पीडेंस, आर एल सी सर्किट में तीनों जुड़ेंगे तो आर का स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। एक्टिव मटेरियल ऑफ लेड एसिड बैटरी, सारे के सारे एक्टिव हैं, सभी आ जाएगा उपरोक्त सभी। इसमें मैच करने में देखो जो फर्स्ट आंसर आएगा पी वाई क्यू जेड आर एक्स, ए प्रोसेसर स्पीड मेजर्ड इन मेगा हर्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोर्ट इन कंप्यूटर सिस्टम, तो एच डी एम आई पोर्ट। Which of the following is equivalent 1 GB 1024 MB, which of the following is not a video format, MP3 में video नहीं बनता। Which of the following memory has least memory access time, कम से कम समय के लिए कैच मेमरी। Which of the following input device is not used in gaming, OMR optical mark reader। Which of the following is the extension of the file created Microsoft Excel में, XLS बनती है। Which of the following इस नेम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें आएगा आपका ओरेकल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वोलेटाइल मेमोरी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट ALU। विच ऑफ द फॉलोइंग
इज ए कंप्यूटर रिसोर्सेज एज पर आईटी एक्ट, तो इसमें सारे ही कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं। एज पर आईटी एक्ट 2000 इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ हैकिंग, ये सारे के सारे जो डाटा दिए हैं ये हैकिंग से रिलेटेड हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाई ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड ही है सारे, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। 140 का कन्फर्म नहीं हुआ। 141 EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, अर्थमेटिक लॉजिक गेट क्या करेगा, परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड कंपेरिजन भी करेगा, तो वन एंड टू ओनली। BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल और विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड पीरियडिकली, EPROM इरेजेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर कंप्यूटर सिस्टम, माइक्रो, मिनी, मैन फ्रॉम सुपर। विच ऑफ द जनरेशन कंप्यूटर IC सर्किट, थर्ड जनरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाटा टाइप, ऑल ये सारे इंटीरियर फ्लोटिंग करेक्टर के सारे डाटा टाइप हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेसिमल इक्विवेलेंट, इसमें कन्फर्म नहीं हुआ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरेशन, ANIC। और इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो लिनक्स जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। इसके अलावा अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपको किसी भी आंसर का जो मैथमेटिकल है उसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने नंबर भी दें, मैं आपको व्हाट्सएप पे ऐड करके और आपको उसके स्क्रीनशॉट जो है मैं सोल्व करके बताऊंगा, उसके स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने भी आपके दोस्तों ने ग्रुप इंस्ट्रक्टर वाला एग्ज़ाम दिया है जो आंसर की का वेट कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।